नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जेलों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, राजस्थान की जेलों से संबंधित। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और आप जो वीडियो है जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो अपनी क्विज है ये BSTC की क्विज है, BSTC और PTT की क्विज है। दोस्तों, आप है जो वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करें। दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, कंप्लीट है जो अपन 20 या 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये है जो कंप्लीट जरूर देखा करें, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांभर झील से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब इसका है जो क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में आ जाना है अभी और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, 8.7 है जो प्रतिशत है, जो कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत, 8.7% जो केवल सांभर झील से उत्पादित होता है पूरे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया है और जिस झील का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों, कौन सा नाम होगा यहाँ पर? बिल्कुल ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, पिसोला झील। और ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये है पिसोला झील जो है, ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, याद रखना है आपको, उदयपुर में पिसोला झील, उदयपुर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक गर्ज से गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब इसका, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी एक गर्ज से होकर गुजरती है वो आपको जवाब देना है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब होगा, चंबल नदी, जिसका नाम है, क्या है? चंबल नदी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील का विकास एवं सफाई किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? बी ऑप्शन सही जवाब होगा, बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन चुना। आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है, आपको यदि आप अपनी क्विज यदि जांच सके, आप अपना राजस्थान का जीके जो जांच सके, तो आपको जो 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप हर क्वेश्चन का है जो आंसर दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कपिल मुनि का मेला जो है किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? और ये जो है दोस्तों, सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन, कोलायत। और ये कोलायत कहाँ पर है दोस्तों? तो कोलायत आपको याद रखना है बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट है, रेडियो बांध किस जिले के अंतर्गत आता है? रेडियो बांध जो है ये किस जिले में स्थित है और वह जो जिला है ये RAS एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों, जो सही जवाब होगा, रेडियो बांध जो है किस जिले में है, ये दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा आपका, दोसा में है, जो सही जवाब हो जाएगा। अब साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए, नेक्स्ट है, माधव सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह जो जिला है वह कौन सा जिला है? और ये भी RAS जो पेपर हुआ था 1999 में, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। माधव सागर बांध है जो जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है? जयपुर जिला है, जो सही जवाब हो जाएगा, जिसके अंदर माधव सागर बांध स्थित है। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? नक्की झील जो है राजस्थान के किस जिले में है, जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है नक्की झील, और ये किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही जिले के अंदर नक्की झील है और जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य के अंतर राज्य सीमा का निर्धारण भी करती जाती है?
तो साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो होगा ए ऑप्शन। कौन सा ए ऑप्शन हो जाएगा? चंबल नदी है जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती? वह कौन सा जिला है? ध्यानपूर्वक पढ़ें एक बार प्रश्न को और ऑप्शंस को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बनास नदी निम्न से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती? बूंदी, उदयपुर, कोटा और करौली, इस जिलों से नहीं गुजरती। बाकी भीलवाड़, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ से, टोंक, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर से, और है जो इनमें से कोई नहीं, ये भी है जो। तो यहाँ पर है जो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आधी क्विज है जो आ चुकी है और लगभग 10 मिनट की, 10 से 11 मिनट की वीडियो बनेगी। आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि ये जो आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? जल महलों की नगरी कहलाती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल इजी है दोस्तों। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? सी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी को कहते हैं। और जो डी है ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील है जो किस जिले के अंतर्गत आती है? और दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा, जिन्होंने सी ऑप्शन मतलब कि स ऑप्शन चुना, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन भी है। राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है, तो यहाँ पर है जो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, नक्की। देखिए राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है जो नक्की झील है। कौन सा? नक्की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा लाखा के शासन काल में एक बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था? और उस झील का जो नाम था वो क्या था? तो दोस्तों बिल्कुल जो सही नाम है बी ऑप्शन, पिसोला झील। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है पिसोला झील। नेक्स्ट है, किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख अवस्थित है? किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख जो अवस्थित है वो है जो सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, राजसमंद है जो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट सही जवाब आपका क्या होगा? देखिए कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन होगा, कांतली नदी। ठीक है, आपको साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेना है। चलिए नेक्स्ट है, किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, गैप सागर। जिन्होंने बी ऑप्शन चुना बिल्कुल सही जवाब है, गैप सागर है। नेक्स्ट है, किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने योग्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, डिडवाना। देखिए किस झील से उत्पादित नमक मानव के खाने योग्य नहीं है? डिडवाना झील है जो खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील जैसलमेर में नहीं है? काबोद, अमर सागर, पोखरण, रामगढ़, इनमें से कौन सी झील जो है जो राज जैसलमेर में नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब आपका होगा डी ऑप्शन, रामगढ़ है जो नहीं है। बाकी काबोद, अमर सागर और पोखरण है जो ये जैसलमेर के अंदर आती है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? जी हाँ दोस्तों उदयपुर में नहीं है, वह कौन सी झील है? डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर आपका, कौन सा? डी ऑप्शन, बालसमंद।
हाँ जी, तो दोस्तों अपनी जो क्विज है, जो 20 प्रश्नों की क्विज है, जो कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों आप PTET और BSTC की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाएं अपने चैनल से, क्योंकि ये है जो इसी चैनल पर अपने जो BSTC और PTET के मॉडल पेपर है जो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।